पापा हाँ मम्मी को बोलो ना, आपने बोला था पिज्जा मंगाएंगे आज। कोई पिज्जा वज्जा नहीं आएगा, पता नहीं कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं पिज्जा वज्जा बनाने में। और हाँ, आज रोटी भी नहीं बनेगी, आटा खत्म हो गया, ले आना। अरे सुन रहा है मम्मी क्या कह रही है, जा गेहूँ पिसा के ला। मैं जाऊंगा गेहूँ पिसाने, मेरे पैर में चोट लगी पापा। अच्छा चोट लेके तो बाहर जा सकता है, लेकिन गेहूँ पिसवाने में टांग टूट जाएगी तेरी। मेरी तो क्लास है, आपकी तो छुट्टी है ना। मैं कतई नहीं जाऊंगा, बाप ना हो गया गुलाम हो गया इस घर का। गुलामी तो मैं कर रही हूँ तुम तीनों की, अब क्या होगा, मुझे जाना पड़ेगा ना बाजार, मैं भी नहीं जाती। लाओ पाइप दे। स्ट्रॉ। जब तक आटा नहीं आता खाना ही नहीं बनेगा इस घर में। तो फिर पिज्जा मंगाए। क्या उपाय बताओ, करानी किसकी है, है? नीतू शर्मा नाम। अवंतिका शर्मा की मम्मी है ना, है? अरे मेरे साले एक तरफ आशिक मानोगे नहीं यार तुम, है? जाने दो यार उसको, करेगा उसका बॉयफ्रेंड बना। यार ब्रेकअप हो गया ना उसका। अच्छा तभी तो वो खाली है, मैं बिजी हूँ। इतने शॉर्ट नोटिस पे या तो वीआईपी कोटे में होगी या फिर अपने को डीआरएम ऑफिस से करानी पड़ेगी। अगर जब जाएगा ना वहाँ पर तो अच्छा बहाना सोच के जाना, साले देते नहीं टिकट इतनी आसानी से। अरे बहाना की तो दुकान है, कुछ ना कुछ बता देंगे। इट्स रॉनी द मैन। सर यस सर। अरे 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 क्या कर रहे हो सर? मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। सर मेरे नाना जी अंतिम सांसें ले रहे हैं सर, मेरी माँ को उनसे मिलवा दीजिए सर, प्लीज सर। मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन डीआरएम कोटा के जितने टिकट थे सारे जा चुके हैं सर, प्लीज। अम्मा यार इसमें मेरे हाथ में क्या है, सीट क्या घर से लगवा दूँ? तो किसके हाथ में? किसी बड़े रेलवे अफसर के पैर पकड़ो, वो अगर अपने पर्सनल कोटा में करवा दे तो करवा दे, भगवान पे भरोसा रखो नाना जी ठीक हो जाएंगे। बड़े रेलवे अफसर के पैर पकड़ने से हो जाएगा? हो जाए। ठीक है सर। मेरी तरफ देख के टेढ़े मेढ़े मुंह मत बनाइए, जाइए दुकान से आटा लाने का मन बनाइए। ये कैसे खा लेते हैं लोग? क्या किया है तूने, ये किनारे क्यों छोड़ दिया? उसमें ब्रेड ही तो है। बता 650 रुपए का पिज्जा आया है और इतना बर्बाद कर दिया। ये देखो ये 60 रुपए बर्बाद, ये 40 रुपए बर्बाद, खाए से। अरे देख रहे फ्रिज में दही नहीं है, दही ला दो मैं दही खा लूंगा। तुम भी बर्बाद करो। ओ, आज फिर पिज्जा? मुंह ना खुलवाइयो मेरा। अच्छा पापा एक बात बताओ। हाँ। आप वो शहनाज आंटी के टच में हो क्या? नहीं नहीं मैंने तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं की। तू क्यों पूछ रहा है? अच्छा वो अभी भी रेलवे विभाग में। कटोरी तो बची नहीं इस घर में है ना? नहीं ठीक है ऐसी है। अच्छा वो अभी भी रेलवे विभाग में काम करती है क्या? पता नहीं मैं बस ऐसे ही जानता हूँ, उसके बारे में मालूम नहीं। तू क्यों पूछ रहा है? एक दोस्त की टिकट करवानी थी। किसकी? मतलब अरे अरे आप फोन लगाओ ना उनको। आटा लेके आ पहले। क्या यार पापा आप तो एक ही बात को लेके अटक गए। अच्छा तू मुझे बताएगा मैं किस बात पे अटकूं? हाँ बेटा आटा तो इस घर में तू ही लाएगा। मैं नहीं लेके आऊंगा आटा वाटा। तो फिर शहनाज भी रेलवे में काम नहीं करती क्या? अच्छा गाड़ी दो दूं कल। आटा हेलो। हाँ अवंतिका। अरे यार मैंने ना तुझे अपना ईमेल आईडी टेक्स्ट किया है तो टिकट ना उसी पे सेंड कर देना। हाँ वो होते ही भेजता हूँ। ओ अच्छा अभी हुई नहीं है। सॉरी यार वो मम्मी ना इतना प्रेशर डाल रही है। अरे अपनी मम्मी को बोलो चाचा विधायक है हमारे, अगर टिकट नहीं भी हुई तो हेलीकॉप्टर छुड़वा देंगे उनको।
भी ना रानी, कुछ भी, चल बाय।